हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर ये सेशन एंडिंग एग्जाम 2022 टू 23 का पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 28 डिवाइडेड बाय टू 28 को डिवाइड करना है टू से टू वन सेज टू एट को कैरी किया टू फोर जार रिमाइंडर इज ज़ीरो सो आंसर इज फोर्टीन नेक्स्ट इज़ फोर इंटू एट एट फोर्स आर थर्टी टू कॉन्टिन्यू द पैटर्न पैटर्न को कॉन्टिन्यू करना है ट्वेंटी एट पी ट्वेंटी सेवन क्यू ट्वेंटी सिक्स आर तो पहले एक नंबर है फिर एक अल्फाबेट है नंबर्स को देखते हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स के पहले आएगा ट्वेंटी फाइव देन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री नंबर्स में पी क्यू आर फिर एस टी एंड यू तो ट्वेंटी फाइव एस ट्वेंटी फोर टी ट्वेंटी थ्री यू वॉट पार्ट ऑफ द होल इज शेडेड यहाँ पर यह होल का कौन सा पार्ट शेडेड है तो पूरे इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया एक है एक शेडेड है सो ये है वन आउट ऑफ फोर विच मींस वन बाई फोर पार्ट नेक्स्ट इज टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर इक्वल्स टू ब्लैंक किलोमीटर्स एंड ब्लैंक मीटर्स मीटर्स में जो लास्ट की थ्री डिजिट हैं आपकी वो होते हैं मीटर्स टू फिफ्टी और उसके बाद जो थाउजेंड प्लेस पर नंबर है वो होते हैं किलोमीटर्स तो ये है टू किलोमीटर एंड टू फिफ्टी मीटर्स नेक्स्ट इज वन सेवन फाइव जीरो प्लेस पर नंबर है उतने लीटर्स होंगे तो सेवन फिफ्टी है एम एल और वन लीटर नेक्स्ट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन शेप इज इट्स किसी भी शेप में स... सभी साइड्स का सम लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसका पेरीमीटर पेरीमीटर नेक्स्ट इज द नंबर फॉर मार्क गिवन है नंबर आपको बताना है तो ये एक बॉक्स प्लस ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं फाइव अगेन फोर एंड वन फाइव और यहां पर सिर्फ चार लाइन्स है सो फोर फाइव फाइव टेन प्लस फोर इज फोर्टीन नेक्स्ट इज हैज़ ओनली वन एक सर्कल में सिर्फ एक ही क्या होता है एक सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है उसके बाद कॉर्ड भी बहुत सारी होती हैं डायमीटर्स भी बहुत सारे होते हैं रेडियस भी बहुत सारी होती हैं ओके okay? लेकिन सेंटर सिर्फ एक होता है तो हैज ओनली वन सेंटर डायमीटर इज ब्लैंक ऑफ रेडियस डायमीटर रेडियस का क्या होता है डबल ये रेडियस है एक और रेडियस मिलेगी तो दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है नाउ सेकेंड इज डू एज डायरेक्टेड राइट टू थिंग्स दैट वी मेजर इन लीटर एंड किलोग्राम लीटर में हम मेजर करते हैं लिक्विड को सो so लीटर में मेजर करेंगे मिल्क को एंड वाटर को ऑयल को भी किलोग्राम में सॉलिड्स को मेजर करते हैं सो so शुगर को और राइस को नेक्स्ट इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शंस लिखने हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिनोमिनेटर में लिखेंगे सिक्स एंड वन टू थ्री फोर पार्ट्स शेडिड है सो फोर बाय सिक्स यहाँ पर वन टू थ्री अगेन सिक्स पार्ट्स हैं और टू शेडिड है सो टू बाई सिक्स नेक्स्ट पार्टन को कॉन्टिन्यू करना है ट्वेंटी ए फोर्टी बी वही है दो एक नंबर है देन एक अल्फाबेट है पहले नंबर्स को कम्प्लीट करते हैं ट्वेंटी फोर्टी ये ट्वेंटी का टेबल है या फिर टू का टेबल भी आप कर सकते हैं टू का टेबल एंड देन ज़ीरो सो टू थ्री जार सिक्स सिक्सटी टू फोर जार एट एटी टू फाइव ज़ार टेन हंड्रेड टू सिक्स जार ट्वेल्व वन ट्वेंटी या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं बार बार आपको ट्वेंटी को प्लस करना है अल्फाबेट्स को देखते हैं ए बी तो नेक्स्ट होगा सी डी ई एफ सिक्सटी सी एटी डी हंड्रेड ई एंड वन ट्वेंटी एफ ना नेक्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स फोर्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव थ्री जर फिफ्टीन वन फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व वन थर्टीन जीरो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव इंटू वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इंटू वन थाउजेंड इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जितनी वन के बाद जीरो है वो भी इस नंबर के बाद आप लगाएंगे टू फाइव एंड थ्री जीरो नेक्स्ट है इन द गिवन रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल में आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है सो so, ये है लेंथ ट्वेंटी और ये है ब्रेथ फिफ्टीन नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट आंसर लिखना अंडरस्टैंडिंग ओके okay. वन सेवन डबल जीरो ग्राम इक्वल्स टू ब्लैंक के जी ब्लॉग ग्राम सो ग्राम में भी यही होता है वन थाउजेंड ग्राम्स मिलकर वन के जी बनाते हैं तो इसमें थाउजेंड स्पेस पर जो नंबर है वो के जी है और बाकी हंड्रेड स्टेंस एंड वन यूनिट डिजिट पर ग्राम्स है सेवन हंड्रेड ग्राम्स वन मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं वन हंड्रेड फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इस ये क्वेश्चन तो आएगा ही कोई भी शेप आपको देंगे कुछ पार्ट्स शेडेड होंगे उनका फ्रैक्शनल पार्ट आपसे पूछा गया होगा तो आपको सिंपली जो टोटल पार्ट्स हैं लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये फ्रैक्शन बार है इसके नीचे जो टोटल पार्ट्स हैं वो लिखेंगे और ऊपर वो पार्ट्स जो शेडिड है सो वन शेडेड है वन बाई फोर ओके नेक्स्ट इज पुट टिक ऑन दी हैवियर इनमें से कौन हैवियर है फेदर एक पंख या फिर स्टोन सो स्टोन हैवियर है इसको आप टिक करना है इसके ऊपर ए ए बी 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 सी पैटर्न को कॉन्टिन्यू करना है सो ए ए बी बी ये फर्स्ट टू अल्फाबेट्स हैं फर्स्ट टू ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं सभी नंबर्स में सी सी डी डी ई ई एफ एफ लास्ट में बी सी डी ई एफ जी सो पैटर्न होगा सी सी डी 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 ई ई एफ एंड एफ एफ जी जीरो वन टू वन टू थ्री तो ज़ीरो वन टू उसके बाद ये नंबर आया दूसरा नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ वन टू थ्री फिर टू से स्टार्ट होगा टू थ्री फोर फिर थ्री से स्टार्ट होगा और थ्री नेक्स्ट थ्री नंबर्स थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन ओके नेक्स्ट डू एज़ डरेक्टेड इन द सर्कल सर्कल गिवन बिलो ये है o is, o क्या है o is है A, is, A, है क्या इसका सेंटर डायमीटर एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और सेंटर से पास होती हो उसे हम बोलते हैं डायमीटर शेड करना है आपको टू बाई फिफ्थ पार्ट इस फिगर का तो पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है दो पार्ट्स आप सिंपल इसके शेड कर देंगे वन एंड टू कोई भी दो बॉक्सेस ये टू बाई फाइव पार्ट नेक्स्ट इज कंप्लीट द गिवन एडिशन नंबर टावर नंबर टावर में क्या होता है ये बेस में सभी नंबर्स आपको गिवन है अभी इन दो नंबर के ऊपर जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स इस बॉक्स में वो नंबर आएगा जो इन दोनों का सम होगा सो so, फोर और सिक्स का सम है टेन इन दोनों के ऊपर जो बॉक्स है उसमें टेन आएगा ये नंबर एडिशन टावर है सिक्स और फाइव इलेवन होता है तो यहाँ पर इलेवन आएगा फाइव और सेवन ट्वेल्व होता है इनके ऊपर ट्वेल्व वो पहले से ही लिखा है उसके बाद टेन और इलेवन ट्वेंटी वन होगा इनके ऊपर जो नंबर जो ब्लॉक है उसमें इन दोनों का सम आएगा ट्वेंटी वन इलेवन और ट्वेल्व ये हो जाएगा थ्री ट्वेंटी थ्री और फिर ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री का सम फोर फोर्टी फोर ये टॉप पर आएगा ओके नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर पेरीमीटर फाइंड करना है ये शेप आपको गिवन है थर्टी थर्टी सिक्सटीन सिक्सटीन ये एक रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल के पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है टू इन लेंथ प्लस ब्रेथ आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे टू इंटू लेंथ है सिक्सटीन लेंथ है थर्टी ब्रेथ है सिक्सटीन तो पहले सिक्सटीन और थर्टी को ऐड करिए फिर आंसर को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू इंटू सिक्स प्लस ज़ीरो सिक्स थ्री प्लस वन फोर थर्टी और सिक्सटीन का सम होगा फोर्टी सिक्स फिर सिक्स टू जार ट्वेल्व वन कैरी फोर टू ज़ार एट प्लस वन नाइन नाइन्टी टू सेंटीमीटर एक तो ये तरीका है पेरीमीटर फाइंड करने का या फिर सिंपली आप जो सभी साइड्स सा, हैं उनको ऐड कर लीजिए पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स सो इसका पैरीमीटर हो जाएगा थर्टी प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी प्लस सिक्सटीन सो थर्टी सिक्सटीन थर्टी सिक्सटीन एड करेंगे सिक्स सिक्स ट्वेल्व टू वन कैरी थ्री प्लस वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन्टी टू ऐसे भी नाइन्टी टू ये आंसर आएगा ठीक है फॉर्मूला अगर याद हो तो ऐसे अदरवाइज जो भी शेप आपको गिवन है उसमें सभी उसकी बाउंड्री की जो साइड्स है उनका सम नेक्स्ट है डिवाइड द रेक्टेंगल इन टू इक्वल पार्ट्स इन फोर डिफरेंट वेज इन रेक्टेंगल्स को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अलग अलग तरीकों से तो एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हैं इस तरीके से भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्केल से करेंगे इसको ऐसे भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी ओके okay, नेक्स्ट नेक्स्ट इज रीड द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये पाई चार्ट गिवन है पूरे सर्कल को पहले हाफ़ किया मिल्क का पोर्शन है फिफ्टी उसके बाद हाफ बाकी जो बचा उसमें आधे में टी है आधे में कॉफ़ी है हाउ मैनी पीपल लाइक टू ड्रिंक टी टी कितने लोगों को पसंद है ट्वेंटी फाइव को हाउ मैनी पीपल लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी कितने लोग कॉफ़ी पीना चाहते हैं ट्वेंटी फाइव हाउ मैनी पीपल प्रेफर मिल्क मिल्क कितने लोग प्रेफर करते हैं फिफ्टी नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर पीपल लाइक मिल्क डैंड टी कितने लोग ज्यादा लोगों को मिल्क पसंद है टी के कंपैरिजन में तो मिल्क में है फिफ्टी टी में है ट्वेंटी फाइव कितने ज्यादा हुए फिफ्टी कितना ज्यादा है ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ज्यादा नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी एबिलिटी टू कम्प्यूट टू फाइव डबल जीरो माइनस वन सिक्स डबल जीरो सिंपल आपको माइनस करना है जीरो माइनस जीरो 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 फाइव माइनस सिक्स नहीं होगा यहाँ से बॉरू करेंगे तो उधर देगा तो वन बचेगा फिफ्टीन हो जाएगा फिफ्टीन माइनस सिक्स इज नाइन एंड वन माइनस वन तो जीरो ही है नाइन हंड्रेड फिर आपको ऐड करना है थ्री फोर फाइव सिक्स एंड फोर टू सिक्स 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 प्लस सिक्स ट्वेल्व टू वन कैरी फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स ट्वेल्व फिर से एक चार पाँच छः सात सेवन फोर फाइव सिक्स सेवन 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 टू टू नेक्स्ट है क्वार्टर ऑफ अ मीटर क्वार्टर मतलब होता है वन फोर्थ पार्ट तो मीटर का वन फोर्थ कितना होगा कितने सेंटीमीटर होगा एक मीटर में होते हैं वन हंड्रेड सेंटीमीटर्स क्वार्टर मतलब वन फोर्थ मीटर में होंगे वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड हंड्रेड का वन फोर्थ मतलब हंड्रेड को आप चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट को कितना मिलेगा ट्वेंटी फाइव या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं हंड्रेड को फोर से डिवाइड कर लीजिए वन फोर्थ मतलब डिवाइडेड बाई फोर सो फोर टू जार एट माइनस किया टू रिमाइंडर जीरो को कैरी किया ट्वेंटी फोर फाइव जार ट्वेंटी आंसर इज ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट इज टू टू फाइव जीरो ग्राम ये तो बहुत आसान है टू फिफ्टी ग्राम्स एंड टू के जी सिक्सटी फाइव इंटू सिक्सटी फाइव एक वॉट मल्टीप्लाई करते हैं फाइव यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे फाइव फाइव हज़ार ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव सिक्स हज़ार थर्टी प्लस टू थर्टी टू यूनिट डिजिट को स्किप करेंगे सिक्स फाइव हजार थर्टी थ्री कैरी सिक्स सिक्स हज़ार थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस इज थर्टी नाइन सो फाइव टू नाइन टेन एलेवन टन थ्री प्लस फोर थ्री प्लस वन फोर फोर टू टू फाइव नेक्स्ट है फाइव हंड्रेड ग्राम प्लस टू फिफ्टी ग्राम्स फाइव हंड्रेड ग्राम में ऐड करना है टू फिफ्टी ग्राम्स को सो जीरो हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर करना है फोर्टीन के जी टू फिफ्टी ग्राम से माइनस करेंगे सेवन के जी टू हंड्रेड ग्राम्स को कॉलम में ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है अगर ये सीधा सीधा लिखते हैं तो हम भी इसी तरीके से इनको अलग से कॉलम्स में लिखते हैं बट ज़ीरो माइनस जीरो ज़ीरो फ़ाइव माइनस जीरो इज़ फाइव टू माइनस टू इज़ ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव जीरो और फोर्टीन माइनस सेवन इज सेवन सो आंसर इज सेवन के जी जीरो फ़ाइव जीरो यानी कि फिफ्टी ग्राम्स नेक्स्ट इज वॉट विल बी द बाउंड्री ऑफ द गिवन स्क्वायर गार्डन इस स्क्वायर गार्डन की टोटल बाउंड्री कितनी होगी स्क्वायर है मतलब सभी साइड्स ट्वेंटी होगी अगर एक साइड भी आपको सिर्फ ट्वेंटी दे तो स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में तो लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर अगेन पेरीमीटर का फॉर्मूला है स्क्वायर का फोर इंटू साइड सो फोर इंटू साइड कितनी है ट्वेंटी टू फोर जार एट और एक ज़ीरो एटी मीटर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एक वो तरीका है ही कि सभी साइड्स को आप ऐड करेंगे सो so, उस केस में लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी यहाँ से आपने स्टार्ट किया ट्वेंटी है ये फिर से ट्वेंटी 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 यानी कि ट्वेंटी को आपको ऐड करना है फोर टाइम्स ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट एटी मीटर नेक्स्ट है राइट द मार्क फॉर मार्क बनाने मार्क दो तरीके से बनते हैं जो भी आपके टीचर ने बनवाए एक तो वही जो क्वेश्चन पेपर में ऊपर गिवन था वन टू थ्री फोर फाइव एक ऐसे भी बनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है दोनों देख लेते हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी नाइन के लिए आपको बनाना है एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन य्वेंटी नाइन हुआ अगर ऐसे बनाने हो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ठीक ट्वेंटी फोर के लिए बनाना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्ल थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फर या फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्थी फोर्टी ट्वेंटी वन ट्वेंटी अ स्पाइडर हैज एट लेग्स एक स्पाइडर के आठ पैर होते हैं हाउ मेनी लेग्स वुड ट्वेल्व स्पाइडर्स हैव तो ट्वेल्व में कितने होंगे वन का गिवन है ट्वेल्व का आपको पूछा है आप मल्टीप्लाई करेंगे सो नंबर ऑफ लेग्स

यानी कि four से करना है आपको, of them are ripe, उतने ripe है आपको. उतने हैं हैं. पके हुए है, how many are not ripe? Question ने पूछा गया कितने ripe नहीं है? Okay, so total है, 60. पहले राइप मैंगोव फाइंड करते हैं अगर आपको पके हुए पता लग जाएंगे टोटल में से उनको हटा दीजिए अनराइप मिल जाएंगे राइप मैंगोव इज क्वार्टर मीन वन फोर्थ ऑफ सिक्स तो सिक्सटी को आपको डिवाइड करना है फोर से फोर वन से फोर माइनस क्या ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन राइप है तो बचे कितने रिमेनिंग अनराइप है नंबर ऑफ मैंगोज दैट आर नॉट राइप नंबर ऑफ नॉट राइप मैंगोज अनराइप मैंगोज सिक्सटी में से अगर फिफ्टीन राइप है सो so सिक्सटी माइनस फिफ्टीन अनराइप है सिक्सटी माइनस फिफ्टीन से बोरो करेंगे नहीं है 45 okay? Next. Next है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट दो फिगर्स आपको गिवन है सोनू मोनू ये स्क्वायर है सभी ये एक रेक्टेंगल है क्वेश्चन है, है, है. है स्क्वायर फील्ड ऑफ सिक्स मीटर एंड टेक थ्री राउंड्स ये जॉगिंग कर रहे हैं दोनों बच्चे सोनू इस फील्ड के चारों तरफ जॉगिंग करता है और तीन राउंड लेता है मोनू जॉग करता है रेक्टेंगल फील्ड के चारों तरफ जिसकी लेंथ और तो ब्रेथ गिवन है वो भी तीन राउंड लेता है हु जॉग्स अ लॉन्गर डिस्टेंस एवरी डे एंड हाउ मच क्वेश्चन है कौन ज्यादा जॉगिंग करता है हर दिन और कितना ज्यादा तो दोनों तीन चक्कर लगाते हैं ठीक है पहले सोनू एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड करेंगे अब जॉगिंग अगर कर रहे हैं तो बाउंड्री पर ही करेंगे अंदर तो नहीं तो बाउंड्री यानी कि आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो सबसे पहले सोनू का कैलकुलेट करते हैं पेरी ऑफ स्क्वायर फील्ड स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर होता है फोर इंटू साइड या फिर आप सिक्सटी को चार बार ऐड भी कर सकते हैं यानी कि फोर इंटू सिक्सटी सिक्स फोर ज़ार थर्टी सॉरी ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव ज़ार थर्टी सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर टू फिफ्टी मीटर टू फिफ्टी मीटर पेरीमीटर है स्क्वायर का So, कितनी लेंथ वो कवर करता है क्योंकि वो तीन राउंड लगाता है उसके अगर इसकी पूरी बाउंड्री टू है तो तीन में तीन बार वो टू कवर करेगा सो डिस्टेंस हु जॉग्स अ लॉन्गर डिस्टेंस कवर बाय सोनू इक्वल्स टू टू की बाउंड्री पर थ्री टाइम्स जाएगा सो थ्री जीरो जार जीरो फोर थ्री जार ट्वेल्व वन थ्री टू जार सिक्स सेवन सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मीटर जॉगिंग करता है सोनू अभी मोनू का जो फील्ड है वो रेक्टेंगल है शेप में लेंथ सिक्सटी है ब्रेथ फिफ्टी है तो पहले उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं कि उसकी बाउंड्री कितनी है ओके पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आप पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे इन दोनों को फिर उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे सो टू इंटू लेंथ है सिक्सटी ब्रेथ है फिफ्टी पहले ऐड करना है सिक्सटी और फिफ्टी होगा वन हंड्रेड एंड टेन क्योंकि सिक्स और फाइव इलेवन होते हैं वन हंड्रेड टेन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू ट्वेंटी मीटर दो सौ बीस मीटर लेंथ है उसके फील्ड की जिस पर मोनू जॉग कर रहा है और वो तीन चक्कर उसके लगाता है तो तीन बार में टू ट्वेंटी तीन बार में कवर करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय मोनू इज टू ट्वेंटी मीटर थ्री टाइम्स ट्वेंटी टू सिक्स आर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर्स अभी ये क्या है सेवन ट्वेंटी मीटर वो कवर करता है सिक्स सिक्सटी तो कौन ज्यादा जॉग करता है सोनू सो सोनू आंसर आप देखेंगे सोनू जॉग्स अ लॉन्गर डिस्टेंस एवरी डे एंड बाई हाउ मच कितना ज्यादा जॉगिंग वो करता है उसके लिए इसके डिस्टेंसेस के डिस्टेंस को माइनस करेंगे सेवन ट्वेंटी माइनस सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी जीरो सिक्स ट्वेल्व सिक्सटी आंसर फाइनल आप लिखेंगे सोनू जॉग्स अ लॉन्गर डिस्टेंस एवरी डे बाई सिक्सटी मीटर मीटर ज़्यादा डिस्टेंस वो रोज उससे ज़्यादा कवर करता है, ओके? सेंटीमीटर, बी डायमीटर रेडियस का डबल होता है radius अगर 5 है, तो दो बार रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाती है यानी कि 5 और 5, दो बार सेंटीमीटर. देर आर ट्वेंटी आधे रेड है सो ब्लैंक स्टार्स आर रेड कितने रेड स्टार्स हैं ट्वेंटी का हाफ कितना होगा टेन टेन रेड है वन हंड्रेड एंड फाइव इंटू वन वन से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर वही रहेगा वन हंड्रेड एंड फाइव वन के जी टमेटोज कास्ट रुपीज़ फोर्टी एक किलो टमाटर की कॉस्ट चालीस रुपये है सो क्वार्टर के जी टमेटोज टमाटोज विल कॉस्ट रुपीज़ क्वार्टर यानी कि वन फोर्थ तो जो भी ये है इसको फोर से आपको डिवाइड करना है फोर्टी को फोर से डिवाइड करेंगे सो so टेन आएगा फोर वन सज फोर ज़ीरो को कैरी किया ज़ीरो लगाया ऊपर सो रुपीज टेन नेक्स्ट है साइड ऑफ अ स्क्वायर इज सिक्स सेंटीमीटर एक स्क्वायर है उसकी एक साइड सिक्स है तो सभी सिक्स होगी इट्स बाउंड्री विल बी तो बाउंड्री कितना होगा बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर पेरीमीटर के लिए हम सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से साइड को मल्टीप्लाई करते हैं फोर से फोर इन टू साइड ये लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है स्क्वायर में सो सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अकाउ हैज फोर लेग्स एक गाय के चार पैर होते हैं सो फाइव काउज विल हैव पाँच के कितने होंगे एक का गिवन है पाँच का पूछा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर फाइव आर ट्वेंटी लेग्स ओके डू एज डायरेक्टेड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ़ रेडियस टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर शो इट्स सेंटर एंड रेडियस तो आप कंपास ओपन करेंगे टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डिस्टेंस उसमें लेंगे यहाँ पर कंपास को रखेंगे पेंसिल को फ्री रखेंगे चारों तरफ घुमाएंगे टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का ऐसा सर्कल बनेगा फिर ये सेंटर है और सेंटर से जब भी ज्वाइन करते हैं सर्कल के किसी भी पॉइंट को वो होती है रेडियस ये है रेडियस नेक्स्ट इज द हॉकी फील्ड इज नाइन्टी वन मीटर लॉन्ग हॉकी फील्ड की लेंथ दी है ब्रेथ दी है फिफ्टी फाइव है वाइड हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड फील्ड की बाउंड्री कितनी बड़ी है तो so बाउंड्री के लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना है पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री सो लेंथ ऑफ बाउंड्री फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करने का ये फील्ड की शेप है रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है टू इंटू एल प्लस बी टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ टू इंटू लेंथ है नाइन्टी वन ब्रेथ है फिफ्टी फाइव पहले ऐड करेंगे फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे फाइव प्लस वन सिक्स एंड नाइन प्लस फाइव फोर्टीन वन फोर्टी सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू सिक्स जार ट्वेल्व टू वन कैरी फोर टू जार एट प्लस वन नाइन एंड टू वन सेज टू टू नाइन्टी टू और यूनिट है मीटर टू नाइन्टी टू मीटर उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी नेक्स्ट इज ड्रॉ नाइन बॉल्स कलर सेवन ऑफ देम राइट द फ्रैक्शनल नंबर सात बॉल्स आप ड्रॉ नाइन बॉल्स आप ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नौ को आपको सॉरी कलर सेवन सेवन को आपको कलर करना है तो so, सात को ऐसे कलर कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव

डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री वाई ट्वेंटी फाइव अगर देखिए अल्फाबेट्स हैं ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पर होता है अल्फाबेट्स में ए बी सी डी ई ई फिफ्थ प्लेस पर होता है तो इस तरीके से आपको हाउ आर यू को डी कोड करना है सो so, सबसे पहले है एच एच के लिए नंबर है एट देन ओ ओ के लिए नंबर है फिफ्टीन एट फिफ्टीन डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए नंबर है ट्वेंटी थ्री एट फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री उसके बाद आर गैप देंगे काफी यहां पर ए है वन आर है एटीन और ई e है फाइव वन एटीन फाइव वाई ट्वेंटी फाइव एंड ओ ओ है ट्वेंटी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ वेजिटेबल सेलर हैड के जी टू फिफ्टी ग्राम्स हाउ मच टमेटोज़ आर लेफ्ट विद हिम इतने उसके पास टमेटोज थे इतने उसने सेल कर दिए कितने बचे तो टोटल में से इनको हम माइनस कर दे रिमूव कर दे तो रिमेनिंग टमेटोज आ जाएंगे सो so, माइनस करना है कॉलम्स बनाते हैं के का ये कॉलम है ग्राम्स का ये कॉलम है के में है ट्वेंटी टू के जी फाइव हंड्रेड ग्राम्स और इधर है माइनस जो करना है एटीन के और टू फिफ्टी ग्राम्स ज़ीरो माइनस ज़ीरोज़ ज़ीरो जीरो माइनस फाइव नहीं होगा यहाँ से करते हैं टेन माइनस फाइव इज फाइव फोर माइनस टू इज टू टू माइनस एट नहीं होगा बॉरो करेंगे ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस एट इज फोर वन माइनस वन इज जीरो सो आंसर इज फोर के जी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स इतना अभी टमाटोज आर लेफ्ट विद हिम इतने टमाटर अभी उसके पास बचे हैं नेक्स्ट है एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा आपका कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी पिक्चर्स के थ्रू ड्रामा चार्ट शो करता है डिफरेंट चिल्ड्रन को जो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में तो ये ड्रामा चार्ट आपको केयरफुली रीड करना है एंड देन क्वेश्चन को आंसर करना है यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए एक्टिंग और इसमें ये जो एक ट्राइंगल है ये शो करता है थ्री चिल्ड्रन को इसका मतलब है तीन बच्चे एक्टिंग तो में क्योंकि थ्री ट्राइंगल्स है एक्टिंग के ऊपर तो एक ट्राइंगल का मतलब तीन बच्चे थ्री 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 एक्टिंग तो कितने बच्चे, करने थ्री थ्री शिक्स, शिक्स बच्चे कर रहे हैं थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन नौ बच्चे एक्ट कर रहे हैं कलेक्टिंग ड्रेसेस ड्रेसेस कितने बच्चे कलेक्ट करते हैं थ्री प्लस थ्री सिक्स म्यूजिक कितने बच्चे प्ले करते हैं थ्री 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 सिक्स थ्री नाइन एंड थ्री ट्वेल्व और मेकिंग द सेट्स में भी दो ट्राइंगल्स है थ्री थ्री सिक्स ओके क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा एक्ट कितने बच्चे करते हैं तीन ट्राइंगल्स हैं एक का मतलब तीन बच्चे हैं थ्री थ्री नाइन चिल्ड्रन नेक्स्ट है हु आर मोर कौन ज्यादा है चिल्ड्रन मेकिंग सेट्स और एक्टिंग ड्रामा जो बच्चे सेट्स बना रहे हैं वो ये है या फिर जो ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं तो एक्ट के ऊपर थ्री ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर सिर्फ दो है मतलब एक्टिंग वाले ज्यादा है सो so एक्टिंग उसने पूछा था विच आर मोर कौन ज्यादा है तो एक्टिंग वाले ज्यादा है विच इज बी डन बाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कौन सा काम सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे हैं प्लेइंग म्यूजिक में प्लेइंग म्यूजिक नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेस कितने बच्चे ड्रेस को कलेक्ट करते हैं तो थ्री एक ट्रायंगल का मतलब है थ्री इसमें टू नहीं लिखना कि दो ट्रायंगल्स हैं। आपको यह जरूर देखना है हर उसमें कि जो फिगर आपको दी है वो कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है थ्री थ्री सिक्स तो छः बच्चे ड्रेसेस कलेक्ट कर रहे हैं okay, that's all students. ये था फोर्थ क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। वॉचिंग